तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू बंदे का व्लॉग्स। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मैं अपनी फैमिली के साथ अयोध्या जा रहा हूँ। और एक्चुअली सबसे बड़ा दिन मेरे लिए इसलिए भी है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ पहली बार बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मौका हमें कभी मिला नहीं था कि हम पूरी फैमिली साथ में बाहर जाए घूमें। तो आज मैं जा रहा हूँ साथ में, तो आप वीडियो देखते रहिएगा। और आज आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय आने वाला है क्योंकि आज हम पूरी आपको जर्नी दिखाने वाले हैं, कैसे जाएंगे वहाँ, रहने का, आने का, घूमने का, सब कुछ पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इंजॉय करिए अयोध्या जी का। तो फाइनली गाइस हम रेडी हो गए हैं, तो अब निकल रहे हैं हम लोग। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे गाड़ी में। अयोध्या जी जा रहे हैं, हमें लगभग 4 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद पहले होटल या वहाँ पहले भगवान मंदिर का दर्शन करेंगे, पहले भगवान का दर्शन करेंगे, जाएंगे हम लोग पहले भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ होगा। तो अभी 1 घंटा हो गया है हम लोग को निकले हुए, अभी हम रोड पे ही है, 4 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग बस 5 मिनट में अयोध्या जी पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम दर्शन करेंगे और मीठी भी मस्ती करेगी वहाँ जाकर, सोऊंगी और पिज्जा बर्गर खाएंगे। लो वहाँ पिज्जा बर्गर थोड़ी मिलता है, वहाँ तो सिर्फ दर्शन मिलता है। दर्शन मिलता जाएंगे। अच्छा, तुम दर्शन करने के बाद पिज्जा बर्गर खाओगी? नहीं, सोएंगे, रात को फिर पिज्जा खाएंगे, फिर सोएंगे। अच्छा, मीठी जो है रात को पहले पिज्जा खाएगी फिर सोएगी, वाह क्या बात है। तो गाइस फाइनली हम अयोध्या पहुंच गए हैं और अब गाड़ी पार्किंग लगाने वाले हैं, उसके बाद हम सब साथ में अयोध्या जी के अंदर जाएंगे। मेरे तुम्हारे पीछे कौन है? गाइस पार्किंग से बहुत ज़्यादा दूर है तो इसलिए हम लोग ई रिक्शा करने वाले हैं, अभी ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं। ई रिक्शा आता है फिर ई रिक्शा में बैठ के हम दर्शन करेंगे हनुमान की गढ़ी का, उसके बाद राम जी के अयोध्या का। हाँ कहाँ चलेंगे पहले? दिखा दीजिए, मतलब दर्शन से पहले शरीर चलना है। यहाँ का दर्शन से पहले शरीर चलना है। हाँ अच्छा, हनुमान गढ़ी दर्शन आएंगे उससे पहले शरीर नदी हो जाएगा, वही बात, पहले शरीर नदी चलेंगे फिर हनुमान गढ़ी। हाँ मम्मी ठीक है, आवा था उनको पकड़े। मम्मी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, भैया थक गई। मम्मी सबसे ज़्यादा खुश है आज अयोध्या जी का दर्शन करने जा रही है। अब इसको खिलौना चाहिए, तुम यहाँ खिलौना लेने आए हो कि दर्शन करने आए हो? खिलौना लेने आए। हाँ कह रहा खिलौना लेने आए हैं। ये है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे घंटा है, ये लगने वाला है। ये दान पात्र है, लो रुक जाओ, कुछ नहीं, वो दान पात्र है जो मंदिर के निर्माण के लिए दान पात्र लिया जा रहा है। ये है वो मंदिर जो डिजाइन बनाया गया है अयोध्या के, आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। मम्मी ने डाल दिया दान पात्र में। ये सब पत्थर आया हुआ है निर्माण के लिए, कनाडा से, कैरिबियन से, वेस्ट जर्मनी से, अमेरिका से, ये सब पत्थर आया हुआ है जो जन्मभूमि में अयोध्या जी के लगाया जाएगा। ये सारे अब मेरे पीछे जितने भी पत्थर देख रहे हैं ना, ये सब राम जी के निर्माण में, जो उनकी जन्मभूमि के निर्माण में लगाया जाएगा। ये बहुत दूर दूर से पत्थर मंगाए गए हैं, कोई जर्मनी से, कोई कनाडा से, और कुछ अमेरिका से, कुछ अरेबियन से, काफ़ी दूर से मंगाए गए हैं। क्या मैं ये देखिए, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दीवाल, ये ईटा जो आप देख रहे हैं ना, ये मतलब लोग अपने अपने घरों से लेकर आते हैं,
और यहाँ पे लगाते हैं कि भाई हमने भी ईटा दिया है मंदिर निर्माण में, और हर ईटे पे श्री राम लिखा गया है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये हर ईंटों पे श्री राम लिखा गया है। ये हर मतलब हर इंसान अपने घर से ईटा लाकर लगाया है। अगर आप भी अपने घर से आ रहे हैं तो एक दो ईटा लेकर आइए और मंदिर निर्माण में लगा दीजिए। तो ऐसा ही लोग करते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोग ईंटे अपने घर से लाते हैं और श्री राम लिखवाते हैं, साथ में ईंटे पर लगा देते हैं। तो आप भी अपने घर से लेकर आइए और यहाँ पर ईंटा लगाइए और श्री राम निर्माण में अपना योगदान दीजिए। ये यहाँ शिल्पकारी हो रही है मंदिर निर्माण का, कितने अच्छे से डिज़ाइन कर रहे हैं। ऐसे डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पे राम नाम लिखने से जो है मनोकामना पूर्ण होती है। मम्मी लिखो, राम का नाम लिखिए कहीं पर। तो यहाँ पे सीताराम लिखने से मनोकामना पूरा होता है, तो मैं भी सीताराम लिख देता हूँ। सीता राम, ये हो गया मेरा सीताराम। लिखो 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 लिखो। अब यहाँ के बाद कहाँ जाना है? अरे अरे, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सरयू नदी। ये वो जगह है जहाँ पर निर्माण कार्य चलता है राम जी का। अब यहाँ से हम निकलेंगे सरयू नदी के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सरयू नदी के पास, दिखाता हूँ मैं आपको। पूरा राम जी का जितने भी उनके बचपन से लेके उनके राजपाट तक वापस आने तक का सारा दृश्य था। अब हम आ गए हैं जानकी घाट और राम दरबार। जय श्री राम। ये आ गए हम राम जी के दरबार में। जय श्री राम। यह है राम जी का दरबार। इस साइड क्या है? सीता जी का रसोई है। यह है सीता जी का रसोई, जहाँ पे सीता जी जो है खाना बनाती थी। कितना प्यारा है, कितना बड़ा रसोई था उनका। ये बर्तन रखा हुआ है, यहाँ पे खाना वाना बनता है। सीता जी का रसोई है, यहाँ पे हमेशा भंडारा चलता रहता है और यहाँ पे गीत भी होता रहता है। ये कितना अच्छा, कितना प्यारा गीत गा रहे हैं लोग। सफर बहुत लंबा होने वाला है। अभी आप देख रहे हैं दो दर्शन कर चुके हैं, अभी बहुत सारे दर्शन करना बाकी है। खड़ा, तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। बस आप देखते रहिएगा आगे का वीडियो, अभी बहुत सारे एंजॉयमेंट करना है और बहुत सारे दर्शन करने हैं। तो चलिए फिर निकलता हूँ मैं आगे के लिए। ये है अयोध्या की सरयू नदी। यहाँ पे कुटिया लगी हुई है। क्या है ये? नाग देवता है।
यार वो तो ऐसे भी तो बूढ़ा हो गया है, उसको तो जान ही नहीं है बेचारे को, अब वो कहाँ से बचा है, उसको छोड़ दो तुम। आऊँगा तो चढ़ा दूँगा। नदी में बचा के जाना। मैं भी थोड़ा सा शुद्ध हो लेता हूँ पानी से। पानी से नहीं सरयू हम जा रहे हैं नाव में थोड़ा सा सफ़र करने, और नाव काफ़ी सुंदर है। ये नाव है मेरा कुमार। जय, चलो शुरू हो रहा है हमारा नाव यात्रा। ये नाव का सफ़र शुरू हो गया हमारा, हम सरयू नदी का सफ़र करने वाले हैं। और बस यही है कि यहाँ पे ये सरयू नदी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। तो आप भी आइए और स्नान करिए, पवित्र हो जाइए। और काफ़ी अच्छा सफ़र है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि मतलब अयोध्या आप सबको आना चाहिए, अयोध्या और दर्शन करना चाहिए, और विद फैमिली आनी चाहिए। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अयोध्या दर्शन कर रहा हूँ विद फैमिली के साथ। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू रहेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा नज़ारा। मम्मी मज़ा आ रहा है, खूब मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए सरयू जी का दर्शन हो रहा है, सभी घाटों का दर्शन हो रहा है। हम लोग भगवान जी श्री राम जी के पास से यहाँ आए हैं और घाटों का दर्शन हो रहा है। देखिए कितनी भीड़ भाड़ है, बहुत मज़ा आ रहा है, भीड़ भाड़ है। पानी मत लगावा तू, ये हर होगी पिता। ये मैं आपको अयोध्या के घाट का नज़ारा दिखाता हूँ। ये लक्ष्मण घाट है और आगे एक राम घाट है जहाँ पे आरती होती है। जैसे बनारस घाट पे आरती होती है, वैसे यहाँ भी आरती होती है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। यहीं पे राम जी ने स्नान किया था सरयू नदी में। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और लाइव बोट से मज़े भी ले रहे हैं साथ साथ। तो बोट का सफ़र में मज़ा आ गया, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलो आ जाओ मिठी। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। तो सफ़र का मज़ा तो आया बहुत ज़्यादा और काफ़ी अच्छा लगा फैमिली के साथ। ये है VIP गेट हनुमान गढ़ी, यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग अंदर। यहीं के बाद से वीडियो मैं नहीं बना सकता। इतना ज़्यादा भीड़ है कि मतलब दर्शन तो मिल ही नहीं पा रहा है, इतना मुश्किल हुआ मतलब निकलने में। वहाँ भीड़ इतनी तगड़ा था आपने देखा ही, तो मतलब दर्शन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी मैं मम्मी मेरी खो गई है, मैं ढूंढता हूँ उन्हें। तुम लोगों को माला कौन पहना दिया है? इन लोगों को इसमें माला पहना रहे हैं। भैया कहाँ? भैया भजन भैया भजन।
ये लोग हैं, इनको दिखाई नहीं देता, देखिए उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो लोग रामायण कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दर्शन तो हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ मैंने आज तक नहीं देखा है जितना भीड़ मैंने यहाँ पे देखा है। इतना मतलब दर्शन लेने में मुझे, मेरा मोबाइल गिर गया था। फाइनली हम लोग रामगढ़ी का दर्शन करके बाहर निकल गए। बंदर यहाँ मोबाइल भी लेकर भाग जाते हैं, बताइए। तो मोबाइल मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा, वरना मोबाइल लेकर भाग जाएंगे ये लोग। अच्छा दर्शन देख लिया आपने, कितना मुश्किल है यहाँ पे दर्शन लेना हनुमानगढ़ी का। अभी लास्ट हम लोग जा रहे हैं अयोध्या मंदिर, दर्शन करके मज़ा आया हनुमानगढ़ी का। हमारा दर्शन हो गया कम्प्लीट, हम लोग जा रहे हैं लास्ट अयोध्या। घर वाले सब काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, अभी देख रहे हैं बच्चे हैं ना, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसको संभालना, देखना, उसके बाद दर्शन करना, उसके बाद दर्शन में इतना भीड़, उसका मीठी खो भी गई थी, उसको ढूंढना पड़ा। तो अभी हम फाइनली लास्ट जा रहे हैं जन्मभूमि पे, राम की, राम जी का जन्मभूमि पे। वहाँ पे होने के बाद फिर हम फाइनली निकलेंगे होटल के लिए। क्या हुआ तुम लोगों को, क्या प्रॉब्लम है? कंट्रोल कार चाहिए। तुम लोग दर्शन करने आए हो, कार लेने आए हो? कार लेने आया, बताओ। ये है अयोध्या का झंडा, श्री राम जी के नाम पे भगवा झंडा। और ये है गेट, ये जो राम जी के जन्मभूमि के साथ हम जाएंगे। वैसे वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको मंदिर जो है खुद ही आकर देखना चाहिए, कैमरे से ज़्यादा वो अच्छा लगेगा अगर आप आकर देखेंगे तो। ये मार्केट है अयोध्या का, तो गाइस राम मंदिर का दर्शन करके आ गए हम लोग। राम जी को देखा हमने, काफ़ी भीड़ था बहुत ज़्यादा, और इसीलिए शायद मोबाइल पर्स कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं था वहाँ पे। ये है हमारे प्रसाद राम जी का, जो हमें राम जी का दर्शन करने के बाद प्रसाद मिला था। तो अभी शाम भी हो गया है, सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं होटल के लिए। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छे जगह बनाऊँगा कल, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और राम जी के लिए एक शेयर ज़रूर कर देना, साथ में राम जी के लिए जय श्री राम बोल देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो। फाइनली बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए, सुबह से जब से आए तब से दर्शन ही कर रहे थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मतलब क्या बताऊँ। तो आपको भी आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। ये लोग देखिए सब भीड़ जमी जा रही है, लगी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस ये गाड़ी मेरी खड़ी है और हम अब निकलने वाले हैं, तो मैं बैग रख लेता हूँ। अरे उसको आगे बैठाओ यार, मीठे तुम पीछे आओ, अरे जगह नहीं है ना। चलिए गाइस तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का अगर आपने अयोध्या का दर्शन नहीं किया है तो आके दर्शन कर लीजिए। वीडियो में आपने, आपको मैंने दिखा दिया जो भी जगह था, तो बस यही था जो भी था, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई अयोध्या देखकर, और यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है वो देखकर लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइस फिर मिलते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो